हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हाजिर हूँ नए वीडियो के साथ। आज का रेसिपी है कैलीफ्लावर फिश करी, और ये बहुत फेमस रेसिपी है बंगाली। और अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आए, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और ये मैंने ले लिया है कुछ कैलीफ्लावर जिसको मैंने बड़े बड़े टुकड़ों में काट लिया है, एक आलू जिसको मैंने छिलके काट लिया है, और थोड़ा सा कोरिएंडर लीव्स, धनिया पत्ता। और मैंने यहाँ पे चार फिश ले लिया है छोटे साइज़ का, और कुछ मैंने मसाले ले लिया है, अदरक लहसुन का पेस्ट, जीरा, हल्दी, लाल मिर्च, गरम मसाला पाउडर, नमक, और चाहिए हमें तेल। कढ़ाई मैंने चढ़ा दिया है और तेल हमारा गरम हो चुका है। मैं इसमें थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा हल्दी डाल दूँगी और अच्छे से इसको मिक्स कर लूँगी। और जैसे पूरी तरह से तेल हमारे गरम हो जाए, मैं इसमें अभी एक एक करके फिश छोड़ दूँगी इस तरीके से। और जैसे फिश एक साइड फ्राई हो जाए, मैं इसको पलट के दूसरे तरफ डाल दूँगी। फ़िश हमारे दूसरे तरफ भी फ्राई हो चुका है। इसी तरीके से मैं पूरे फ़िश को फ्राई कर लूँगी। और उसी तेल में सेम हम डाल देंगे जीरा। जीरा डालने के बाद मैं अभी उसमें डाल दूँगी जो कॉलीफ्लावर हमने काट के रखा था, उसको अच्छे से फ्राई कर लूँगी। गाइज़, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ और रेसिपीज़ का लिंक मैं दे दूँगी, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं, बहुत यूनिक रेसिपी रहेगा। और कैलीफ्लावर हम फ्राई कर लेंगे इस तरीके से, थोड़ा सा गोल्डन कलर में, देखिए इस तरीके से। अब मैं इसको उतार लेती हूँ। कॉलीफ्लावर पूरी तरह से उतारने के बाद सेम उसी कढ़ाई में मैं थोड़ा सा और ऑयल ऐड कर दूँगी। जैसे तेल हमारे गरम हो जाते हैं, मैं इसमें अभी फ्राई कर लूँगी आलू को, जिस तरीके से मैंने अभी कॉलीफ्लावर को फ्राई किया था, सेम उसी तरीके से थोड़ा सा गोल्डन करके फ्राई कर लूँगी आलू को। आलू लगभग फ्राई हो चुके हैं, अब मैं इसको उतार लूँगी। और सेम उसी ऑयल में अब मैं डाल दूँगी जो हमने अदरक लहसुन प्याज टमाटर और हरे मिर्च के पेस्ट रखे थे उसको, और मैं 3 से 4 चम्मच दे दूँगी। और इसको अच्छी तरह से मैं फ्राई करूँगी, और उसी में मैं अभी डाल दूँगी स्वाद अनुसार नमक, हल्दी लगभग 1 स्पून, और लाल मिर्च पाउडर मैं 2 स्पून डालूँगी। आप चाहे तो कम ज़्यादा कर सकते हैं, तीखा आप जितना खाते उस हिसाब से। और ये मसाले हमारे बन गए, तैयार हो चुके हैं। अब मैं इसको फ्राई करूँगी लगभग 1 से 2 मिनट, जब तक मसाले हमारे तेल ना छोड़े। मसाला फ्राई हो चुका है, अब मैं इसमें जो कॉलीफ्लावर फ्राई करके रखे थे उसमें ऐड कर दूँगी, और आलू को भी ऐड कर दूँगी, और सारे मसालों के साथ मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। 1-2 मिनट के लिए इसको मिक्स कर लूँगी। मिक्स हो चुका है, अब मैं इसमें पानी डाल दूँगी जितना मुझे सूप की ज़रूरत है, सब्जी के रसे की ज़रूरत है उतना। मैंने यहाँ पे 1.5 गिलास पानी लिया है, आप चाहे तो ज़्यादा कम कर सकते हैं। अब मैं इसको एक उबाल आने दे दूँगी, तब तक पकने दूँगी ढक के। एक उबाल आ चुका है, ढकनी मैं निकाल लूँगी। और इसको मैं थोड़ी और देर पकने दूंगी, लगभग और एक 10 मिनट। 10 मिनट लगभग हो चुके, अब मैं इसमें फिश को ऐड कर दूंगी। फुल गोभी और आलू अच्छी तरह से पक चुका है, अब मैं इसमें फ़िश ऐड करने के बाद इसके ऊपर से मैं थोड़ा सा धनिया पत्ता ऐड कर दूंगी, और इसको मैं पकने दूंगी लगभग
2 से 3 मिनट तक। और हमारे फूल गोभी और फिश का करी बनके तैयार हो गया है। ये जितना दिखने में यम्मी दिख रहा है, खाने में भी उतना ही यम्मी। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आए, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।